जो दुनिया पर राज किया था उसका नाम था सिकंदर, और जो सिकंदर पर राज किया था उनका नाम था सम्राट अशोक। जी हाँ, मैं सम्राट अशोक की बात कर रहा हूँ, और वो भी बहुत ही महान इंसान थे, और उनके बारे में मैं कुछ शब्द आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था, और इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अपने मतलब भतीजा से सीखे थे, कि उनसे मतलब प्रेरणा लिए थे, कि जब ये कहीं एक युद्ध लड़ के आए थे तो इनको ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। इनके भतीजा जो था बहुत भतीजा जो था उनका बहुत ही शांत एक दिन बैठा था, तो सम्राट अशोक ने पूछा कि तुम इतने शांत कैसे रहते हो। तो उनका भतीजा बोला कि मैं बौद्ध धर्म अपनाया हूँ। तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए क्या कहते हैं एक गुरु का मतलब सहयोग लिया। इनके गुरु का नाम उपगुप्त था, ठीक है, और इन्होंने उनसे ही प्रेरणा लिए और ये बौद्ध धर्म अपनाए थे। तो बौद्ध धर्म इन्होंने 14 अक्टूबर को अपनाए थे, जो अभी मतलब उसी के टॉपिक में बना रहा हूँ, 14 अक्टूबर पे। हालांकि इस दिन दो महान व्यक्ति मतलब क्या कहते हैं बौद्ध धर्म अपनाए थे, एक तो सम्राट अशोक जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाए थे, और दूसरा बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को। तो हालांकि बाबा साहेब को मतलब निधन होने से पहले इन्होंने मतलब बताया जाता है कि ऐसे तो इतिहास भी बताता है, और कभी सर्च भी करने पर बताया जाता है कि बाबा साहेब ने 3 लाख से ज़्यादा लोगों को हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाए थे। तो इनके क्या कहते सम्राट अशोक के एक मतलब उनके जो पुत्र और पुत्री थी, तो उनके पुत्र का नाम महेंद्र था और इनके पुत्री का नाम संगमित्रा थी। तो इन्होंने अपने दोनों क्या कहते अपने दोनों बच्चों को श्रीलंका भेज दिए थे, कि इसलिए कि इनको मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। तो वो दोनों वहाँ पे गए थे, मतलब बहुत बौद्ध धर्म प्रचार बहुत किए थे। और इनके माता जो थी मतलब एक राज क्या कहते राज माता थी, और इनके पिता का नाम बिंदुसार था, ठीक है। तो आगे पीछे थोड़ा टॉपिक हो गया, पर आप लोग समझ लेना। उन्होंने भारत के अलावा क्या कहते यूनान, अफगानिस्तान, इन सभी में इन्होंने बौद्ध धर्म का मतलब प्रचार कराया था। इन्होंने बहुत सार मतलब समझो कि ये बौद्ध धर्म अपनाने वाले तीसरा मतलब राजा थे, ठीक है। और इन्होंने जैसे चीन जैसे भी देशों में बहुत ज़्यादा प्रचार करवाए थे, हर जगह इन्होंने प्रचार करवाए थे। तो जहाँ तक मुझे पता है, और जहाँ और इतिहास भी बताता है, कभी आप लोग पढ़ भी लेना और चाहे तो सर्च करना, कि धर्म की बात जो आती है ना, ठीक है, धर्म की बात आती है तो बहुत लोग बोलते हैं, अभी के टॉपिक में बता रहा हूँ, अभी जो 2024 चल रहा है, तो इस टॉपिक में कभी कभी कोई मतलब कोई भी सोशल मीडिया खोलता हो तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और क्या कहते हैं भारत मतलब संविधान लागू नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब अजीब वजह से लोग बात करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू धर्म था ना, ठीक है, वो तो खैर तुम्हारा अभी मतलब जहाँ तक मुझे पता है और इतिहास भी बताता है, वो तुम्हारा क्या कहते हैं 900 साल पुराना, मतलब 900 साल पुराना होगा, और अभी तक शायद हो गए, ठीक है, मतलब यही होगा, इसी के आसपास होगा। और बौद्ध धर्म जो था वो मतलब 2600 साल पुराना है, ठीक है। तो तुम इसी से नोटिस कर लो कि तुम्हारा बौद्ध धर्म पहले आया या तुम्हारा हिंदू धर्म पहले आया, और हिंदू धर्म ही तुम्हारा किनके द्वारा दिया गया है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये वीडियो फेक है, कोई हमको गाली भी दे सकता है, मुझे पता है। तो तुम्हारा हिंदू धर्म भगवान बुद्ध ने दिया था, ठीक है, उनको ही नहीं, आर्टिकल हमारा 15 जो बोलता है संविधान में, आर्टिकल 15 बोलता है कि हमको कोई भी जाति धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, मतलब वहाँ पे सब समान है। तो चलो सब बातें छोड़ते हैं, बात करते हैं हमारा अपना बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म इसलिए मतलब लोग अपनाते हैं, और इसलिए वहाँ पे मतलब विश्वास लोग रखते हैं, एक आस्था होती है जो लोग उनको मानते हैं। बौद्ध धर्म में तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वहाँ पे तो ना कोई भगवान माने जाते हैं, ठीक है, ना ही किसी को छुआछूत देखा जाती है, और दूसरी बात ना ही किसी से डराया जाता है। जो हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं, तो तुम्हारे कोई देवी देवता किसी के ऊपर आ जाते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि तुम हमको ये देगा तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब गाइस इसके लिए आपको पीके मूवी देख लोगे समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है। तो उसमें ये सब होती है, और हम लोग बौद्ध धर्म बहुत ही मानते हैं और बहुत ही उनको आदर करते हैं। तो बौद्ध धर्म तो पहले से ही मतलब जागरूकता है, और लोग बोलते हैं कि नहीं ये हुए है, कैसे हम लोग कैसे मान ले, हम तो सीधी बात करते हैं, या तो पढ़ाई करो, ठीक है, नहीं तो तुम हमको सबूत दो ताकि हमको भी पता चले। और जहाँ तक मेरी वीडियो में अगर आपको कोई गलती लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और दूसरी बात कि मेरे वीडियो तो पहले उठेगा नहीं, मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपना क्या कहते हैं एजुकेशन के लिए रख रहा हूँ, मतलब अपने
कुछ जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, शायद मैं बाद में कभी भूल जाऊँ, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए मैं अपना वीडियो बना कर रखता हूँ, और किसी को पसंद आएगा तो अपना देखेगा। हालांकि हर कोई सर्च करता है, मैं भी सर्च करता हूँ, तो ऐसा नहीं कोई देखा हुई नहीं, इतना तो ज़रूर पता है कि सब लोग देखेंगे जहाँ तक मुझे पता है। और मतलब इनके बारे में अगर अच्छे से लोग कोई लोग पढ़ लेगा तो समझ जाएगा कि यार बौद्ध धर्म ही सबसे पहले आया था, इतना तो मुझे कंफर्म हो गया है। और मैं भी आज पढ़ के मुझे भी लग रहा है कि हाँ अब पता चल रहा है कि हाँ बौद्ध धर्म पहले आया था। बाद में कोई धर्म आया या बनावटी है या कुछ है मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, पर बौद्ध धर्म पहले आया था। और भूत के अलावा मुझे जहाँ तक लगता है कोई नहीं है, तो बात रियल है पर दम में बात में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो मेरे जितने समाज के लोग हैं वो लोगों को वीडियो मतलब अच्छा लगे, वो लोग वीडियो देख सकें। मेरा मेन मकसद था जो 14 अक्टूबर है, जो जिसमें एक एक 14 अक्टूबर के दिन तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाए थे, और साथ ही साथ सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाए थे। तो गर्व से किसी को कहना चाहिए कि हम भी सम्राट अशोक के वंशज हैं, ठीक है। तो गर्व होता है कि ऐसे ऐसे महान लोग भी थे जो, देखो गाइस, हमारे हमारे आसमान में जो जितने सितारे ना उतने सितारे हमारे महान मतलब महान क्रांतिकारियों से कमी नहीं है, ठीक है। समझो कि आसमान जो है ना बहुत ही ऐसे ऐसे महान लोग जो थे जो हमारे लिए बहुत कुछ करके चले गए। एक एक संविधान जब बन रहा था उसमें कोई एक बात लिखी थी जो शायर के रूप में है, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे हर तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब दूंगा, कभी वक्त पढ़ना तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और हो सके तो मेरे वीडियो में मतलब कोई गलती हो गया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना उसको कमेंट करना कि मैंने क्या गलत बोला है, क्योंकि मतलब जो ऐतिहासिक बात जो होती है ना गाइस, थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो जाती है। आई मतलब पढ़ने का तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं चाहूँ तो जैसे कि मेरे पास ये भी है और भी सारी बुक रखी है जो मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ने की जो अलग बात होती है, पर कैमरे के सामने बोलने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी दिक्कत होती है, तो समझ सकते हो। और कोई दिक्कत हो गया होगा, अगर कोई दिक्कत हो गया होगा तो आप उसको कमेंट कर देना, उसको मैं सुधार दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा इसी के साथ मैं मतलब अच्छा और भी अच्छा वीडियो बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।